गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस आज हमारे पास यहाँ पे टॉप 3 जियो फोन लेके आए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि अच्छा फोन बताएं जिसके अंदर सारे फीचर्स फंक्शन मिलते हों। तो यहाँ पे ऑफर के साथ में ये मोबाइल है, जिसमें आपको बहुत सारा ऑफर भी मिलने वाला है जियो की तरफ से। और ये 3 फोन है, तीनों को मैं अनबॉक्स करूंगा और आपको ये बताऊंगा कंपेयर करके कि कौन सा फोन सबसे बेस्ट है और कौन सा आपको लेना चाहिए। अगर आप नया फोन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ऑफर के साथ में बताऊंगा कौन से इसमें क्या कुछ ऑफर मिलता है, कितने का रिचार्ज मिलेगा, कितने दिन आपको चलाने को मिलेगा, कैसे आपको बुक करना है। अगर ये फोन आपको पसंद आए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से जाके इस फोन को आप परचेज कर सकते हो। तो पहले इसे करेंगे अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं कौन सा सबसे बेस्ट फोन है, क्या कुछ कंपनी ने अपडेट किया है, सारे ऑफर के साथ में डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप नया जियो का फोन लेना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखो, इसकी बिल्कुल मत करना। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए गाइस पहले अनबॉक्स करते हैं और आपको खाते हैं कौन सा फोन सबसे बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने तीनों मोबाइल कुछ इस तरीके से लगा दिए, तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कौन सा सबसे बेस्ट फ़ोन है और कौन सा आपको लेना चाहिए। गाइस तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें आपको ऑफ़र भी साथ में मिलेगा, यानी कि 1 साल का और 4 महीने का रिचार्ज आपको फ्री मिलेगा फ़ोन के साथ में। तो गाइस अभी मैं आपको यहाँ पर फ़ोन दिखाने वाला हूँ कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है और कौन सा आपको लेना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं जियो का भारत V1 4G नाम से है। इस बॉक्स को मैंने पूरा ओपन किया हुआ है और ये मोबाइल कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकल आता है। तो इस बॉक्स के अंदर का सारा सामान मैंने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ, और मोबाइल आप देख लीजिए कुछ इस तरीके की कंडीशन में आपको मिल जाता है। और दूसरा मोबाइल यहाँ पे देख सकते हैं जियो का भारत V2 4G नाम से, ये बॉक्स भी मैंने पूरा ओपन किया हुआ है। इसके अंदर के आपको फंक्शन और ऑफर बताऊंगा, जिसके अंदर आपको 1 साल और 4 महीने का रिचार्ज इसके अंदर फ्री मिलने वाला है। तो ये दोनों फ़ोनों के साथ में आपको ऑफर मिलेगा वो भी बता देता हूँ। साथ में दो मोबाइल हैं जो कुछ कंडीशन में इस तरीके से पैकिंग में निकल आते हैं, दोनों फ़ोन है। साथ में एक तीसरा फ़ोन है, मैं आपको तीनों फ़ोन दिखाऊँगा कौन सा सबसे बेस्ट फ़ोन है, वही आपको यहाँ पर लेना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे ये फ़ोन हमने तीनों निकाल लिए हैं और मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है, और सभी मैं आपको बैटरी डाल के दिखाऊंगा। जो सबसे बेस्ट फ़ोन होगा मैं आपको वही बताऊंगा, वही आपको यहाँ पे खरीद लेना है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा हूँ जियो का भारत V1 4G नाम से फ़ोन है। ये डब्बा कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो ये फ़ोन आप देख लीजिए, इसमें आपको 2.4 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, जो आपको यहाँ पर मिलती थी हेलो जियो नाम से फ़ोन आता था, जो 1500 का आता है, 1 साल का रिचार्ज फ्री मिलता था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 2.4 इंच की डिस्प्ले में हैंगिंग की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑडियो जैक की, तो 3.5 mm का ऑडियो जैक है, LG 3500 का चार्जर है, ऊपर के साइड में एक टॉर्च मिल जाती है। अगर मैं बैक की बात करूँ तो एक जियो लिखा हुआ है, और यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पे स्पीकर भी साथ में मिल जाता है। तो ये फ़ोन आप बैक से कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज में भी अच्छा है, स्लिम वाइज मोबाइल है। और इसमें आपको बैटरी डाल के एक बार दिखा देते हैं गाइस, ठीक है। तो पुराने वाले फ़ोन में यहाँ पे 2000 mAh की बैटरी मिलती थी, जो मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाऊंगा। और इसमें नए वाले में हमें क्या मिल जाता है ये भी देख लीजिए, यहाँ पे देखो 2000 mAh की हमें इस फोन में बैटरी मिल जाती है, और इसके फंक्शन भी अपडेट हो चुके हैं। और इसमें जो ऑफर की अगर मैं बात करूंगा तो ऑफर भी आपको साथ में मिलने वाला है गाइस, ठीक है। 1 साल से लेके 4 महीने का रिचार्ज भी आपको फ्री मिलेगा, वो भी मोबाइल के साथ में, अगर मोबाइल आप खरीदते हैं तो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी हम इस सिम डालेंगे और इसमें दिखाएंगे दूसरा जो मोबाइल है। तो गाइस दूसरा फ़ोन जो है कुछ इस तरीके से निकल आता है, ये वाला जो पैकिंग यहाँ पे दिखाऊँ जियो का भारत V2 4G नाम से, इसमें भी आपको 1 साल से लेके 4 महीने का रिचार्ज आपको फ्री मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये बहुत सस्ता मोबाइल है, ये दोनों सस्ते मोबाइल हैं जो नए वाले मैंने आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 1.7 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है, कीपैड में हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, और यहाँ पर एक कैमरा मिलता है, स्पीकर मिलता है, जियो लिखा हुआ आपको नजर आएगा। और यहाँ देख सकते हैं 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, LG 3500 का चार्जर मिलता है इस फ़ोन के अंदर भी, और ये सस्ता फोन है, ऊपर के साइड में टॉर्च मिलती है। तो इसको आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से, ये भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे बैक में देख लीजिए जियो लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे फ्रंट में कुछ इस तरीके। अगर ये फोन आपको पसंद आए, मैं बैटरी डाल रहा हूँ, अगर पसंद आते हैं ऑफर मैं आपको बताऊंगा कितने दिन का ऑफर मिलता है। अगर पसंद आए तो आप मुझे कमेंट भी करना, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करना मेरे को। यहाँ पे जो बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 1000 mAh बैटरी है, एक चार्जर मिल जाता है LG 3500 का, 1 साल की आपको वारंटी मिल जाती है, और इसमें भी हम एक बार बैटरी डाल लेते हैं गाइस, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे फोन में भी 2000 mAh बैटरी है, 1 साल वारंटी आपको मिल जाती है, एक चार्जर मिलता है LG 3500 का गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस इन दोनों फोनों में एक बार बैटरी डालते हैं और आपको दिखाते हैं। और तीसरा फोन हमारे पास यहाँ पे है जियो का हेलो जियो नाम से, जो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1500 का आता था, 1 साल का रिचार्ज मिलता है। अगर आपको ये भी पसंद आता है तो मैं आपको बताऊंगा ये फोन आपको कैसे मिलेगा। ये दोनों फोन का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और इसका मैं आपको बताऊंगा इसे आपको कैसे परचेज करना है। ये रिफर्बिश्ड में मोबाइल आपको मिलेगा, और कहाँ मिलेगा मैं आपको
बताऊंगा आपको। तो पहले आपको मैं इसके फंक्शन बताता हूँ, कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट है और कौन सा आपको लेना चाहिए, नए वाले फ़ोन में आपको क्या क्या फीचर्स हैं जो बदल गए गाइस, ठीक है। तो चलिए एक बार बैटरी डालते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसमें मैंने बैटरी डाल दी पुराने वाले में, तो ये जियो लिख के आया, 2000 mAh की बैटरी है और यहाँ पे जियो लिख के आएगा गाइस, ठीक है। ये दूसरा फ़ोन है जिसमें मैं बैटरी डाल के आपको दिखाऊंगा, मैं आपको लाइव बिल्कुल इसलिए दिखाता हूँ, एक सिम एक मेमोरी कार्ड आपको डालना है, ठीक है। एक साल की वारंटी मिलती है साथ में, और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ 4 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा अगर आप नया फ़ोन लेते हैं तो। ये जियो का भारत फ़ोन है। हैंगिंग की अगर मैं प्रॉब्लम करूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हैंग होने वाला नहीं है। तो तीसरा फ़ोन भी मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, इसका मैं सामान साइड में रख देता हूँ एक बार, फिर मैं तीसरा फ़ोन भी यहाँ पे लगा के आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं गाइस, ठीक है। इसमें भी आपको एक सिम डालनी है, एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, और इसमें भी आपको UPI पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो अभी जो ये फ़ोन अभी मैंने ओपन किया हुआ है, इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है, देखो ये काफ़ी देर से चालू हो रहा था और ये अभी तुरंत में चालू हो गया गाइस, ठीक है। तो इसको पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या हमें मिल जाता है। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप मिल जाता है, व्हाट्सअप के साथ में फेसबुक भी चला सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं, जियो सावन मिलेगा और जियो सिनेमा मिलेगा, और जियो सावन के बाद में जियो स्टोर मिल जाएगा। जियो स्टोर पे आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करनी है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप वाला फंक्शन भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसी तरीके से जियो सिनेमा, जियो सावन, वीडियो कॉलिंग मिल जाएगा, व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग यहाँ पे मिलेगा आपको, फ्रंट बैक में कैमरा है, अगर वाईफाई की बात करूँ तो वाईफाई ब्लूटूथ भी आपको इसमें मिल जाता है, और ये रीफर्बिश में मोबाइल मिलता है। ये रीफर्बिश का मतलब होता है कि जैसे कि अब कंपनी ने पहले वाले फ़ोन है उनको रीफर्बिश देने की नया दोबारा से नया बना के पैकिंग में दोबारा से भेजा हुआ गाइस, ठीक है। तो फ़ोन कैसे मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद में अगर आप नया फोन लेते हैं तो नए में हमें यहाँ पे दो फ़ोन मिल जाते हैं, यहाँ पे जियो का भारत V1 4G नाम से, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई, जैसे UPI पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं, जियो सिनेमा चला सकते हैं, पेमेंट अगर करना चाहते हैं तो UPI स्कैनिंग भी कर सकते हैं कैमरा खोल के, और यहाँ पे पेमेंट का बिजनेस भी खुल चुका है तो आप नंबर डाल के भी आप इसे लॉग इन कर सकते हैं। तो इसमें पैसे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पर जियो सिनेमा, जियो सावन मिल जाता है, और लाइव क्रिकेट मैच वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा बहुत सारे, जैसे लाइव क्रिकेट UPI वगैरह है, क्रिकेट देख सकते हैं और गाने सुन सकते हैं, और कॉल रिकॉर्डिंग है, ब्लूटूथ मिल जाता है, टॉर्च मिल जाती है, यहाँ पे 2000 mAh बैटरी मिलती है, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग पे आप फेसबुक भी इसके अंदर यहाँ पे चला सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये फ़ोन में आपको फेसबुक भी चलाने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये फ़ोन की अगर कीमत बताऊँ तो 1299 रुपये में आपको ये फ़ोन मिलेगा। 234 का आपको FRC रिचार्ज कराना है आपको, रिचार्ज में आपको 2 महीने का रिचार्ज साथ में मिलेगा, और कंपनी की तरफ से आपको नए फ़ोन लेने में 2 महीने का आपको फ्री मिलेगा, यानी कि 4 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा। इसी तरीके से ये वाला फ़ोन है जो आप देख सकते हैं, इसमें 1000 mAh की बैटरी है, और फ़ोन के फंक्शन की बात करूं तो पूरे आपको टोटल वही फंक्शन मिलेंगे जो V1 में मिलते हैं, वही आपको मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा मोबाइल है गाइस, ठीक है। तो इसमें भी आपको सेम फीचर्स मिल जाते हैं, UPI पेमेंट है, जियो सिनेमा, जियो सावन है, और लाइव क्रिकेट देख सकते हैं, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, ब्लूटूथ मिल जाता है। मेन मैंने आपको इसके फीचर्स इसलिए बता दिए, वीडियो बड़ी ना होगा, ठीक है। तो ये फ़ोन में से सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा है मैं आपको बता दूं, ये दोनों फ़ोन का मैंने लिंक दिया हुआ है, ये 999 रुपये का फ़ोन है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हैं, और इसका भी मैंने लिंक आपको दिया हुआ है। इसमें भी आपको 4 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा, जो 234 के FRC रिचार्ज के साथ में आपको 2 महीने का रिचार्ज है, प्लस 2 महीने का आपको फ्री मिलेगा गाइस, ठीक है। तो इसमें दोनों में आपको 4 महीने का रिचार्ज फ्री मिलने वाला है, और ये वाला फ़ोन रिफर्बिश में है, ये आपको किसी मोबाइल दुकान शॉप पर जाना होगा, उसको आपको बोलना होगा रिफर्बिश मोबाइल चाहिए तो वो आपको ला के देगा गाइस, ठीक है। तो ये आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, ये दोनों ऑनलाइन मिलेंगे, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके इस दोनों फ़ोनों को आप परचेज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके बताना आपने मैंने जानकारी कैसी लगी।